बुधवार सुबह संयुक्त कलेक्टर डीके सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के कोनों कोनों में गंदगी देख नाराजगी जताई। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया, साथ ही ड्यूटी डॉक्टर का हाजिरी रजिस्टर चेक किया, जिसमें एक दो डॉक्टर नदारद पाए गए। इस दौरान डॉक्टर द्वारा मरीजों को देखना बंद कर दिया और उन्हें चैनल गेट के बाहर खड़ा कर दिया। इस दौरान मरीजों को उनके अटेंडर खुद स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आए। संयुक्त कलेक्टर डी के सिंह ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें ड्यूटी डॉक्टर का हाजिरी रजिस्टर चेक किया, जिसमें एक दो डॉक्टर नदारद पाए गए, जिनकी सूचना कलेक्टर महोदय को दी जाएगी। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। माननीय कलेक्टर महोदय ने आज मुझे निर्देशित किया था कि सामान्य तौर पर जाकर जिला चिकित्सालय में प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें कि क्या व्यवस्था है, क्या कमियाँ हैं। मैं यहाँ 10 बजे पहुँचा था लगभग। जो हमने चेक किया तो पैरामेडिकल स्टाफ प्लस मेडिकल स्टाफ सभी लगभग उपस्थित पाए गए। जो एक दो लोग नहीं पाएगा उनके संबंध में रजिस्टर पे देखा, सीएल के उन लोगों ने छुट्टियां ले रखी थी पहले से किन्हीं कारणों से जो भी हो, और रजिस्ट्रेशन जहां होता वहां से लेके और जितने भी भर्ती वाले केंद्र हैं सब पे हम गए। इंतज़ाम या व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत कोई कमी मुझे नहीं महसूस हुई। पब्लिक से भी मैंने बात की, जहाँ दवाएँ वितरित होती हैं उन लोगों ने बताया दवा मिलती है, पहले भी मिलती थी, आज भी लेने आए थे आज भी मिल रही थी। एक बिंदु जो मुझे खटका बस कि कुछ कुछ कोनों पे जैसे जहाँ पे पान खा खा के लोग थूके हैं वो सफाई थोड़ा सा कमी है, उसको मैंने उनके ध्यान में लाया। उनका कहना है सफाई एजेंसी में स्टाफ शायद कम है, ऊपर अभी लगे हुए सुबह के समय बल, लेकिन जो सामान्य तौर पर अंदर जो मैं गया जहाँ पर एडमिशन होते हैं जहाँ OPD है वहाँ क्लिनलीनेस सफाई प्रॉपर मिली, एकदम कोई कमी नहीं मिली। दस्तावेजों की मैंने कोई जांच नहीं की, हमने बता दिया पहले ही रजिस्टर, हमने देखा जो लोग हैं उनके अटेंडेंस लगी हुई है, जो नहीं उनके CL लिखा हुआ लाल स्याही से भी लिखा हुआ पहले से। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा था ऐसा कि लगा दिया जाए बंद कर दिया जाए, और ना मैंने किया था निरीक्षण, तो सामान्य तौर पर बाहर ही घूम के मैंने किया। सबसे पहले वहाँ से शुरू किया, साइकिल स्टैंड के बगल से लेकर रजिस्ट्रेशन से दवा जहाँ वितरित होती है, तो उसमें तो कोई बंद करने का सवाल ही नहीं उठता है। हो सकता है लगाया और भीड़ भाई हो तो हमको नहीं मालूम इसका संबंध में क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।